गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा प्रदेश में नक्सली और सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा और वे बालाघाट में जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा ये डूबता जहाज है, इन पर कोई सवार नहीं होना चाहता। नरोत्तम मिश्रा ने पीएम मोदी पर भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कहा कि उन्होंने यह बयान हास्य के लिए दिया है जो कि उनका अंदाज है। उन्होंने बालाघाट में नक्सली और सिमी के आतंक को खत्म करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार में मचे भगदड़ को लेकर कहा कि चुनाव आते आते वहां से अभी कई लोग भाजपा में आएंगे, कोई भी कांग्रेस और ममता के डूबते जहाज में नहीं बैठना चाहेगा। जीत भाजपा की होगी, कांग्रेस का हर रास्ता वनवास की ओर जाता है, चाहे वह किसी भी रास्ते पर जाए। वो स्वयं भी बोले कि ये हास्य विनोद था, उन्होंने बाद में कहा है इसको। मैं स्वयं भी मंच पर था जी, उनका पूरा अंदाज वही था जो उन्होंने बोला है, हास्य विनोद के रूप में ही लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में कानून का राज, चाहे नक्सल गतिविधि हो, चाहे डाकू की गतिविधि हो, चाहे सिमी का नेटवर्क हो, सब ध्वस्त करेंगे। मेरी मान्यता है कि हम किसी भी कीमत पर, कोई भी गुंडा हो, कोई भी नक्सलाइट हो, कोई भी सिमी हो, हम मध्य प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। भगदड़ का स्थिति है ममता के साथ, अब ममता का डूबता जहाज है, इसमें कोई नहीं बैठेगा। आप देखिए चुनाव आते आते तक झड़ी लग जाएगी लोगों को छोड़ने की, जिस तरह के भ्रष्टाचार का तांडव उन्होंने किया है कोई उनके साथ नहीं रहे। कांग्रेस किसी रास्ते पर चल ले, वो सारे रास्ते वनवास की ओर जाते हैं, वो सारे रास्ते संन्यास की ओर जाते हैं, वो सारे रास्ते आराम की ओर जाते हैं, जीतने की ओर नहीं जाते। जीतेगी तो भाजपा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।